दोस्तों, यह है संगम नगरी प्रयागराज। यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है हुसैनपुर। हुसैनपुर प्राचीन समय से ही बहुत समृद्धशाली गांव है और यहाँ के लोग भी बड़े ही शान और शौकत से रहते। यहाँ के जमींदारों में एक थे ठाकुर बलवंत सिंह, जिनकी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, सर पर केसरिया पगड़ी, सफेद धोती कुर्ता, पैर में शाही जूते और रौबदार चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें इनकी अलग ही पहचान थी। सर के बाल पूरी तरह से सफेद हो चले थे, जो कि ठाकुर साहब की ढलती उम्र की ओर इशारा कर रहे थे। इस उम्र में भी वह बड़े ठाट बाट और रुआब के साथ घोड़े पर चला करते थे। तीन बेटे बहुएं और नाती पोतों से खुशहाल भरा ठाकुर साहब का पूरा परिवार था। सभी आपस में मिल मिलाकर रहा करते थे। लेकिन एक दिन तो जैसे हवेली में तूफान ही आ गया। जाओ, सभी को बुलाकर लाओ। और ठाकुर साहब अपने कमरे में चले गए। ठाकुर बलवंत सिंह अपने कमरे में एक ओर से दूसरी ओर टहलने लगते हैं और सभी के आने का इंतजार करने लगते हैं। सभी बेटे बहू आते हैं और बारी बारी से ठाकुर बलवंत सिंह का पैर छूकर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि हमने आप सबको यहाँ पर अभी क्यों बुलाया है? जी नहीं पिताजी, हमें नहीं पता। तो सुनिए और हमें बताइए कि आप सब में से घर का बंटवारा करने की बात किसने कही है? थोड़ी देर कमरे में सन्नाटा छा गया। सारे बेटे बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जी पिताजी। छोटी बहू तुम? जी पिताजी। तो आखिर इसमें गलत ही क्या है? बंटवारा तो होना ही है। हाँ भाई, आज नहीं होगा तो कल होगा। ठाकुर साहब बड़े ध्यान से सभी की बातें सुनते रहे और आश्चर्य से सबकी तरफ देखते रहे। अच्छा, तो बंटवारा करने में सबकी सहमति है, क्यों? जी पिताजी। आप लोग यह बताइए कि कौन कौन बंटवारा नहीं चाहता है, वह इधर आ जाए। लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। ठीक है, जब सभी की यही राय है तो कल बंटवारा कर दिया जाएगा, आप सब जा सकते हैं। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसकर कमरे से बाहर चले आते हैं। अब ठाकुर बलवंत सिंह पूरी रात कमरे में कभी टहलते रहते हैं तो कभी बैठकर सोचते रहते हैं और अंत में कुछ सोचकर निर्णय लेते हुए सो जाते हैं। अगले दिन। मंगरू। जी हुजूर। मंगरू, जाओ और सभी को बुलाकर मेरे कक्ष में आने को कहो। जी हुजूर। मंगरू जाकर सभी को खबर करता है कि ठाकुर साहब ने आप सबको याद किया है। सभी बेटे बहू एक साथ मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन सामने ठाकुर साहब को देखकर फिर से सन्नाटा छा जाता है। अरे भाई, सब लोग एकदम शांत क्यों हो गए? हंसिए, गाइए, नाचिए, अब तो आज से आप सब आजाद हो रहे हैं। परंतु इतना याद रखिए, कभी भी पूरे झुंड का शिकार नहीं होता, बल्कि झुंड से अलग हुए जानवर का ही शिकार होता है। एक बार आप सब फिर से विचार कर लीजिए। जी पिताजी, हम सब ने विचार विमर्श कर लिया है। तो फिर ठीक है, जब आप सबकी यही इच्छा है तो हमारा भी फैसला सुन लीजिए। हमारा फैसला यह है कि हम अपने सभी बेटों को 10-10 बीघा जमीन, घर में रहने को जगह और एक एक गाय देते हैं, और इसके बदले में आप सभी लोग हमें एक एक बोरा अनाज, एक एक लीटर दूध और 2,000 रुपए महीना हवेली में रहने का किराया बिना किसी सवाल जवाब के दे दिया करेंगे। सारे काम खुद से करने होंगे और जो लोग नौकरों से काम लेंगे वह उनकी तनख्वाह खुद देंगे। आज से सभी नौकर चाकर केवल हमारे लिए काम करेंगे और जिसे हमारा यह फैसला मंजूर नहीं हो वो केवल अपना खुद का खरीदा हुआ सामान लेकर
यह हवेली छोड़कर बाहर चले जाएं, यही एक बाप का बंटवारा है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सभी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। पिताजी, हमें आपका फैसला मंजूर है। हम सब आपको किराया भी देंगे और साथ में अनाज और दूध भी, और हम सब यहीं रहेंगे, मेहनत करके खाएंगे और आपकी आंखों के सामने खुश रहकर दिखाएंगे। हमें नौकरों की कोई जरूरत नहीं है। और सभी एक एक करके कमरे के बाहर चले जाते हैं। अब सभी अपना अपना काम खुद करने लगते हैं। अपनी अपनी गाय को चारा खिलाना, साफ सफाई करना, दूध निकालना, खेती करना, अनाज लाना और फिर ठाकुर साहब को किराया, दूध, अनाज आदि देना। इधर ठाकुर साहब नौकरों के साथ रहते और सारे नौकर उनकी खूब सेवा करते। एक दिन बड़ी भाभी छोटी के पास गई और बोली, कैसी हो सुनीता, क्या हाल है? क्या कहूं भाभी, आप सब कुछ तो देख ही रही हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, बच्चे नानी के यहाँ जाने की जिद कर रहे हैं और यहाँ है कि गोबर उठाने से ही फुर्सत नहीं है। भाभी, यदि आप और भैया हमारी गाय को चारा खिला देते तो हम बच्चों के साथ 2-4 दिन के लिए मायके हो आते। हाँ भाभी, सुनीता सही कह रही है। अगर हमारी गाय को भी आप चारा खिला दें तो हम भी 2-4 दिन के लिए मायके से हो आए। तुम सबको क्या मैं नौकरानी नजर आ रही हूँ? बड़ी आई है मायके जाने वाली, जैसे लगता है कि मेरा मायका तो है ही नहीं। मैं तो यूं ही चली आई थी बस हाल चाल पूछने। बड़ी आई है मायके जाने वाली। भाभी आप भी ना। क्या आप भी ना? आप नहीं आती तो मैं भाभी को मना लेती। आपने हमारा भी काम बिगाड़ दिया और अपना भी। अच्छा तो अब मैं बुरी हो गई, जाओ रहो अकेले। धीरे धीरे सबका काम बढ़ता गया और आपस में तूतू मैं होने लगी। यहाँ तक कि यदि किसी को कहीं जाने का मन करता तो भी नहीं जा पाते। और एक समय वह भी था जब सभी लोग नौकर चाकरों के ऊपर ऐशो आराम से रहा करते थे। एक दिन ठाकुर बलवंत सिंह अपने बागीचे में टहल रहे थे, तभी उनके नाती पोते खेलते हुए उनके पास आए और कहने लगे, दादाजी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बताओ बच्चों, आप क्या जानना चाहते हो? दादाजी आप हमें ये बताइए कि एक साथ और अलग अलग रहने में क्या अंतर होता है? बच्चों आप दोनों अपना अपना हाथ आगे लाओ। ठाकुर ने एक बच्चे के हाथों की उंगलियों को धागे से बांध दिया। मान लो कि अब तुम्हारे हाथ में उंगलियां एक साथ काम नहीं करना चाहती और आपको उस पेड़ से आम तोड़ना है, तो कैसे तोड़ोगे? दादाजी आप भी कमाल करते हैं, हाथ में जब उंगलियां ही काम नहीं करेंगी तो हम आम क्या कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते। शाबाश बच्चों, और यही छोटी सी बात तुम्हारे माँ बाप को समझ में नहीं आती कि जब उंगलियां आपस में मिलकर काम करती हैं तभी सब काम आसानी से होते हैं, वरना बिना उंगलियों के हाथ बेकार है। यह सारी बातें उनके बेटे बहू पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू भर आए थे। सभी एक साथ आगे आए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। पिताजी हमें माफ कर दीजिए, यह सब हमारी गलती है। नहीं पिताजी, ये हमारी गलती है, भैया का कोई दोष नहीं। नहीं नहीं पिताजी, ये सब हमारी वजह से हुआ है, इसमें हमारे किसी भाई का कोई दोष नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। आपके बंटवारे ने हमारी आंखें खोल दी, हम सब एक हैं और एक साथ ही रहेंगे। इस तरह ठाकुर बलवंत सिंह की सूझबूझ के कारण ठाकुर साहब का परिवार पहले की तरह खुशहाल रहने लगा।